तो जिस गाड़ी का था हम लोगों को इंतजार, वो गाड़ी बस कुछ 5-10 मिनट के अंदर आने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ, आज मेरे भाई, मेरे मित्र सौरभ भाई जिनको मैं बोलता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, इनकी एंगेजमेंट है। हाँ फिलहाल तो डर सा लग रहा है। मतलब रिलैक्स है, विक्रम ने बहुत मेहनत की है, मैंने थोड़े स्टेप भूले हैं, लेकिन पता नहीं कैसा होगा, मेहनत की है शायद अच्छा हो। लेकिन जो एक ताज्जुब की बात ये है कि हमारी भाभी को पता ही नहीं कि आज इनकी एंगेजमेंट है। मुझे लगता है उसको शायद ये पता है कि मैं प्रपोज करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ ये कोई आइडिया नहीं है उसको। तो अभी हमारी भाभी कुछ देर में आएंगी, और आज के दिन से जैसे सौरभ भाई को कम से कम 1 घंटे से ऊपर भाभी का वेट करते हुए हो गया है, तो वो एंगेजमेंट के साथ ही शपथ लेते हैं कि जिंदगी भर इसी तरीके से वेट करने के लिए रेडी है। जितना आज हो रहा है इससे आगे हर टाइम यहाँ से मेरी फैमिली से या तेरी फैमिली, सबकी फैमिली सारे उतने ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे सबको, तो ऐसा आज का शायद दिन अच्छा होगा, तो जैसा आज का है बाकी की पूरी लाइफ उससे अच्छी होगी। एंड प्लीज सभी लोग एक बार कुछ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सौरभ भाई, इनकी आज एंगेजमेंट है, प्लीज तालियां बजाइए सभी लोग जोर से एक बार। और वरुण ने बहुत हेल्प किया, वरुण ने को जब भी मैंने कहा कि अगले 2 घंटे तक वीडियो कॉल नहीं आनी चाहिए तो ना एकदम डॉट वैसे ही था, वीडियो कॉल नहीं आ रही, तो हाँ सबकी मेहनत लगी। मम्मी पापा को भी सडनली एक दिन पहले मैंने बताया कि आपको आना है, और कल मैंने टिकट बना दिए। हम सभी के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं आजकल के लड़कों के लिए कि एंगेजमेंट करो तो ऐसे करो, और बड़ा खर्चीला भी है ये जो बात तो है साहब, लेकिन ठीक है, भाई ने भी हमारे 1 मंथ की सैलरी हमारी जो है दान कर दी है। जैसे रुचिका हमेशा कहती है मिला जुला के घर का खर्चा चल जाता है, वैसे ही मिला जुला के इवेंट भी चल रहा है। He's very excited, कितने खुश हैं। जब सौरभ ने हमें बताया मम्मी पापा आपको आना है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो बहू को मिलने तो बुलाया है बेटे। मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना प्रपोजल का प्रोग्राम तेरे हवाले है, ये जिंदगी मेरी तेरे उजाले से सब राहें हैं, यहाँ अपने नसीब का मैं बादशाह नहीं, तू मेरी शाम है तू ही मेरी सुबह, तूने कहा मैंने सुन लिया तूने कहा। ओके, तो मैं गेट पे पार्किंग की तरफ डाल रहा है ना, मैं पार्किंग की वहीं पे उतर जा रहा हूँ, मतलब अंदर लेना मॉल की वहीं पे मैं खड़ा सुन लिया तूने कहा मैंने सुन लिया। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, होता है आंखें खुली हो या
Give me.
could never speak in tunes before. But for you I could write a symphony. If only you could sing along. Doesn't even need to be in key. I swear to have enough for you. We're taking up the pieces, so can we hide? I need you close. Can we pause this moment? Keep it open, close. Dance alone, and in time we'll split our hearts wide open. Here's a sweet message for you from his side. Mere bina mein rehne laga hai. I was always wanting this moment to happen when I would find somebody and I would be, you know, just there. And today when everything happened right in front of my eyes, I was in shock. I didn't know how to react. I had so many things running in my head, in my heart, and I was still wondering, is it happening for real? And I wanted somebody to just pinch me and say, yes, it's happening. And it is a wonderful feeling. I mean, so the people who say that, you know, arranged marriage doesn't work, I feel so. I feel so if you find the right partner, it works. And I have never asked somebody so charming, so handsome, so loving like Saurav, and I'm so, so, so grateful today. So yeah, thank you so much for, you know, choosing me. I always say this, thank you so much for choosing me. I love you.